नमस्कार, हाउ आर यू? आई फाइन फाइन, हाउ आर यू? एम गुड, आई एम गुड। ओके, सबको पता है सुलक्षणा नाइक, जिन्हें गौरी गौरी ताई करके भी बुलाते हैं सब। वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर्स इन इंडिया इन वुमेन्स क्रिकेट। और सुलक्षणा नाइक ताई मुंबई के लिए इंडिया के लिए खेल चुके हैं, और इनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है। आपको पता है विकेट कीपिंग में आपका रिकॉर्ड है? मुझे पता नहीं है, खुद को है क्या सच में है? 31 डिसमिसल से T20 क्रिकेट में आपका रिकॉर्ड है उसमें। अच्छा। तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। मुझे भी पहली बार पता चला कि मेरा लिम्का बुक्स में रिकॉर्ड है। तो आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? आप कौन से एज में क्रिकेट स्टार्ट किया, और मुंबई क्रिकेट, मुंबई का जो टीम सीनियर वुमेन्स टीम है, वहां तक का आपका जर्नी कैसे था? मैंने बहुत अर्ली स्टार्ट किया। एक्चुअली मेरे कॉलोनी में पूरा कल्चर है, मेरा फैमिली का कल्चर पूरा क्रिकेट का ही है। अच्छा। जैसे मेरे फादर अंकल दोनों अच्छे लेवल के क्रिकेट खेलते थे, उनके लिए इंटरमिल्स, और वो टाइम में इन द 50s 60s की बात कर रही हूँ मैं। माय काका इज नाउ 92 एंड ही स्टिल फिट, एंड माय डैड पास्ड अवे, बट वो लोग बहुत क्रिकेट खेल चुके थे, अच्छा क्रिकेट खेल चुके। मैं ब्रदर्स अभी मेरे बड़े भाई भी अच्छा क्रिकेट खेले थे, दोनों भाई खेलते थे। अभी मेरे जो बड़े भाई है वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी। हाँ। तो मेरे घर में पूरा कल्चर था, लेकिन जो मेरा एक्चुअली स्टार्ट हुआ वो मेरे कॉलोनी में ही। मैं मेरे एज ग्रुप की लड़कियां नहीं थी, तो मैं बॉयज के साथ खेलती थी, क्योंकि मोस्टली जो मेरे भाई खेलते थे वही मैं खेलती थी। और मेरे घर में कोई जेंडर बायस वगैरह ऐसा कोई मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि मेरे को मेरे माँ बाप ने अलग तरीके से पाला है, क्योंकि मैं लड़की हूँ और मेरे भाई लड़के हैं, तो उनको ज्यादा प्रिविलेज मिला हो, ऐसा मेरे घर में कभी हुआ ही। और फिर मेरे को किसी ने देखा खेलते हुए, तो उन्होंने मेरे फादर को बोला इसको ग्राउंड पे भेजो, तो उन्होंने दूसरे दिन ही मुझे ग्राउंड पे भेज दिया, शिवाजी पार्क जिमखाना। और फिर वहां से मैं चालू हो गया। 12 इयर्स की थी मैं, बहुत लेदर बॉल क्रिकेट को इंट्रोडक्शन हुआ तब मेरा। जब मैं 16 की थी तब मैंने डायरेक्ट ये खेला था मुंबई सीनियर्स। मैंने आज तक कोई जूनियर सब जूनियर कुछ नहीं खेला है मुंबई के लिए। अच्छा। मैं जो खेली हूँ डायरेक्ट सीनियर खेली हूँ, और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली खेली मैं 4-5 साल मुंबई। फिर मेरा वेस्टर्न रेलवे में सिलेक्शन हुआ, इंडियन रेलवे में सिलेक्शन हुआ इमीडिएटली 1 साल बाद। और फिर आई थिंक तब तक मैंने मुंबई लीड किया था, जब तक मेरा इंडियन रेलवे के लिए सिलेक्शन हुआ था, मैंने मुंबई लीड किया था, मुझे छत्रपति अवार्ड मिल गया था। तो द नेक्स्ट स्टेप वॉज इंडियन रेलवे। तो मेरे लिए सब स्टेप बाय स्टेप हुआ, इंडियन रेलवे का सिलेक्शन हुआ, फिर इंडिया। वो छत्रपति अवार्ड महाराष्ट्र के सब स्पोर्ट्समैन को मिलता है? हाँ, स्टेट एसोसिएशन, वो स्टेट अवार्ड रहता है अपना। हाँ। तो राज्य पुरस्कार, राज्य क्रीड़ा पुरस्कार है वो। राइट। तो वो मुझे मिला था, दैट वाज इन वे बैक इन 98-99। इंडियन रेलवे सिलेक्शन हुआ, 2002 में इंडिया सिलेक्शन हुआ। राइट। तो मुंबई क्रिकेट, जैसे आपको पता है मेंस क्रिकेट फुल जो भी खेले नॉर्मली सब इंडिया के भी खेले, वो टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम था। आपको पता है 50s से लेकर ऑलमोस्ट 2000 तक बहुत स्ट्रॉन्ग थी हमारी। तो वैसे वुमन टीम का क्या हाल था वो टाइम में? मुंबई टीम का हाल इतना कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि फैसिलिटीज की बहुत कमी थी वुमेन्स क्रिकेट, क्योंकि तब हम लोग विमेन्स क्रिकेट के अंदर आते थे, तो बहुत ही दिक्कत होता था, रिजर्वेशन अनरिजर्व जाना पड़ता था, इतना कुछ फैसिलिटी ना, ट्रेन का ही ट्रैवल था या बस का ट्रैवलिंग था मोस्टली, और वैसा कुछ फ्यूचर एज सच क्रिकेट के लिए यही था पैकिंग के हमको रेलवे में कोई रेलवे में देख ले, डायनाडिल जी हमको कहीं देख ले खेलते हुए और हमारा सिलेक्शन हो जाए, एक रेलवे का जॉब मिल जाए, तो दैट वॉज अ बैकअप।
फॉर अ विमेन क्रिकेटर के लिए कि अपना करियर बन जाए, तो फिर आगे हम इंडिया वगैरह की सोच रहे. मुंबई विमेन क्रिकेट बहुत मीन्स हमको प्रैक्टिस के लिए भी कई दिक्कतें होती थी, नेट मिल रहा है एक वीक टू या दो वीक मिल गया वही टूर्नामेंट के पहले, तो बहुत दिक्कतें थी. पर आई थिंक वो सब दिक्कतें होती है तभी मजा होता है. लाइफ अगर इजी रह गई तो क्या हो गया, उठ गए प्रिविलेज है सब मिल गया. जब हम स्ट्रगल करते हैं तभी उसका मजा भी और होता है और तभी उसको क्या कहते हैं आपको उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है कि उसकी कितनी अहमियत है. एक नेट सेशन करने की कितनी अहमियत होती है. आज तो किसी को भी मिल जाता है, पैसे भरते हैं मिल गया नेट खेल रहे, ऐसा नहीं. वो एक 20 मिनट की पैटर्न भी हमको मिलती थी तो हमको पता है कि ये एक वीक मिलेगी, उसके बाद अगर नेट नहीं मिला तो इसलिए हम लोग बहुत यू नो मेहनत या जितना मिले हम लोग उसमें अच्छा करने की कोशिश करते थे. ओके, तो वो टाइम पे फाइनेंशियल इतना सपोर्ट नहीं था क्रिकेट में, मतलब मैच फीस भी बहुत कम मिलते थे. आप मिलते थे कि मुझे वुमेन्स क्रिकेट ये अभी मैंने देखा है कि वर्ल्ड कप, जैसे वर्ल्ड कप में जब इंडिया की टीम रनर सब आई थी तब से पूरा क्रिकेट चेंज हो गया, मतलब पैसा भी ज्यादा आने लगा, वुमेन्स के जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट स्टार्ट हो गए. तो आपको क्या मतलब 2000 के पहले का फाइनेंशियल कंडीशन कैसे था और अभी आपको क्या लगता है? 2000 के पहले कोई फाइनेंशियल कंडीशन ही नहीं था. आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, अगर आपको रेलवे में जॉब है तो आप फाइनेंशियली सिक्योर है क्योंकि आपको सैलरी है. बाकी जो स्टेट क्रिकेटर कोई तुमको स्टैम्पेड नहीं था, कोई पैसा ही नहीं था. आप समझो विदाउट, आप जाओ खेलो और आओ, बस ये है कि आपको वहां जाएंगे जो खाना पीना मिल जाएगा वो आपको खाना है, जो ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है वो ही. यू हैव आई थिंक सो जीरो मॉनिटरी ये था इनपुट, क्या आपको कोई मैच भी नहीं मिलने वाली है. पूरा क्रिकेटिंग सिनेरियो विमेन्स के लिए बीसीसीआई के अंडर 2007 में जब हम इंग्लैंड गए, उसके बाद जो डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी बीसीसीआई के अंडर आई और बीसीसीआई ने टेक ओवर किया, उसके बाद हमारा पूरा डोमेस्टिक सर्किट चेंज हो गया. मुझे लगता है 1500 डोमेस्टिक फीस से स्टार्ट हुआ था, 1000 या 2007 में ऐसा कुछ. 500 हमको डेली अलाउंस वगैरह मिलता था, इससे स्टार्ट होके अब हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है कि बहुत अच्छी हो गई है. अगर कोई इंडिया खेल रहा है तो उसको जरूरत नहीं है कि वो रेलवे की जॉब करे. सो इट इज बिकम दैट गुड आफ्टर 2017, इट्स बिकम रियली गुड. जो इंडिया इंग्लैंड वर्ल्ड कप, तो कुछ लड़कियों ने तो रेलवे के जॉब भी छोड़ दिए जो कर रही थी लड़कियां, तो दे गिव अप देयर जॉब बिकॉज आई थिंक सो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी हो गई. सो इट हैज चेंज्ड बट इट टुक टाइम. लाइक व्हाट आई हैव प्लेड, माय लास्ट वर्ल्ड कप हमने खेला था 2013 में, तब हमको पूरा एक सीरीज का या वर्ल्ड कप का वी यूज टू गेट 1 lakh rupees कम. तो उसके बाद अभी 17 के बाद एवरीबडी इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड यू नो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गया, तो सिनेरियो बहुत अच्छा है. विमेन्स क्रिकेट हैज अ ब्राइट फ्यूचर. दो वर्ल्ड कप जीतते जीतते रह गए, अगर हम जीत जाते तो इट वुड हैव बीन लाइक द आइसिंग ऑन द केक. राइट, उसमें से मैंने एक देखा था इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर्स का, तो वहां पर मैंने सेमी फाइनल और फाइनल लाइव मैच देखे थे. तो दोनों मैच बहुत क्लोज हुए थे. सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सबको पता नहीं एक्चुअली में बारिश गिरा था, मैच लेट स्टार्ट हुआ था, 43 ओवर तक उसको मैच और मारे, और दो छक्के मारे, मतलब लड़के लोग ऐसे छक्के नहीं मारते उसने वैसे छक्के मारे थे वो मैच में. और वो टाइम पे सबको पता नहीं कि वो टाइम में लड़कियों ने कुछ खाना नहीं खाया था क्योंकि 43 ओवर का मैच हुआ था और मैच सडनली मतलब जैसे T20 में 20 मिनट के अंदर स्टार्ट होता था, 15 मिनट में स्टार्ट वैसे हुआ था. वो हालत में खेले थे, मुझे पता है, मैं पूनम राउत से वो टाइम में बात किया था, उन्होंने बोला कि हम लोग इतने हालत खराब थी ना हमारी, मतलब खाना नहीं, स्पोर्ट्समैन जो पूरा मैच पूरा दिन खेलते विदाउट कुछ खाए, तो वो लोग जैसे मैच खत्म हुए फटाक से सेलिब्रेट तो किए वो लोग ने, पर उनका हालत इतना सीधा फटाक में गए थे. तो सबको पता नहीं ये. और फाइनल
लॉर्ड्स में तो फुल, मतलब वुमन क्रिकेट के हिस्ट्री में मुझे नहीं लगता है कि इतना कभी बैक हुआ रहेगा फुल ग्राउंड, तो वो फुल बैक का मुझे भी बहुत मजा आया। अगेन क्लोज मैच, हम हारे हार गए, वो मैच बहुत क्लोज था। इवन मेरे साथ के साथ इंग्लैंड में वो भी थे, तो वो खुश हो गए इंग्लैंड जीत गए, मैं पूरा मायूस था, पर ठीक है हो जाता है क्रिकेट में। तो आपका फीलिंग कैसे था वो टाइम में, आपने मैच देखा रहेगा लाइव, आपको प्राउड प्राउड सेमीफाइनल में जब हरमनप्रीत खेल रही थी तो मुझे ऐसे लगा था कि अगर ये आज पूरा 50 ओवर खेल गई तो ये 200 भी मार सकती है, क्योंकि मैंने उसके साथ खेला हुआ है कि मुझे उसकी कैपेसिटी मालूम है कि वो कैसे खेल सकती है। और उसकी जैसे ये अभी आपको इसीलिए ये आपको पता चला कि यू नो लड़कियां इतना लंबा, हम जब उसका जो डेब्यू हुआ हरमनप्रीत का 2009 में, वो मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, तो जब हमने देखा था कि उसको जब चांस मिला, उसने एंड वो 6-7 एज अ ऑलराउंडर खेलती थी, यू नो शी हैड, सबको पता था कि इसमें कैपेसिटी है लंबा मारने की, पर वो आते आते यू नो 17 एक प्लेयर को मैच्योर होते होते और वो इनिंग कहीं ना कहीं इट वॉज कैसे यू नो हमको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा इनिंग खेलेगी, क्योंकि तब वो यू नो उसके इतने रन में नहीं थी और यू नो थोड़ा रन आ रहे थे, बट वो बड़ा इनिंग जो था वो उसको एक क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म मिल गया, वो उसका वैसा उसका बैट उस दिन चला और देयर वाज नथिंग लाइक इट। उसके बाद उसने मींस शी डिड नॉट स्टॉप हरसेल्फ। कभी कभी क्या होता है बैट्समैन जो है ना वो अपने 80s और 90s में जाके रिदम ब्रेक कर देता है, सिंगल में खेलने की कोशिश करता है, जो पूनम के साथ फाइनल में हुआ, उसने अपना रिदम तोड़ दिया, जो बैट उसकी चल रही थी वही रिदम में अगर वो लेके जाती तो इंडिया शायद दूसरा कोई सामने से विकेट भी नहीं जाता, हम लोग आराम से पार लग जाते, पर उसने ना अपना रिदम रोक दिया, तो वो एक क्रिकेट में ये होती है। लेकिन वो फीलिंग थी कि मुझे कि हम फाइनल जीत जाएंगे, 209 हम लोग चेस कर लेंगे, क्योंकि लॉर्ड्स का जो विकेट था बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छा था विकेट, और हमने वहां 235 ही हमने चेस कर लिया है लॉर्ड्स में। तो इससे पहले हमने हम जब 2012-13 के जब सीरीज के लिए वहां गए थे, उसके बाद हम 17 में गए तो हमने 235-234 चेस किया था, तो वो एक कॉन्फिडेंस था मुझे कि टीम ये कर सकती है, कि इतना बड़ा स्कोर नहीं है, ये लोग पार लग जाएंगे, बस एक बैट्समैन को वहां रहना है। और अच्छे ही खेल रहे थे, पूनम अच्छी खेल रही थी, हरमन अच्छे खेल रहे थे, तो वो लोग पर इट वॉज डिसअपॉइंटिंग क्योंकि इतना नजदीक आके हम रह गए, क्योंकि देखो इंग्लैंड 2 वर्ल्ड कप जीत चुका है इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, न्यूजीलैंड जीत चुका है, और एक इंडिया का कब से पेंडिंग है, और हमको लग रहा था कि ये इस बार तो हम लग ही जाएंगे पार, तो पर रह गए, तो पर इतना नजदीक आके छूटना बहुत, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपको वो सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल स्टेजेस पार होना, इट इज टू मच ऑफ स्ट्रेस माइंड गेम, और इतनी अटेंशन मिल जाती है इंडियन पब्लिक की, तो अभी तो आपको सोशल मीडिया से भी इतना पता चल जाता है कि लोग हमको देख रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, तो इट इज डिफिकल्ट, पर ये अभी एवरीबडी हैज टू गेट यूज्ड टू इट, ये आपको कोई अटेंशन दे रहा है तो आपको लेना चाहिए, और वो कैसे उसको हैंडल करना है वो आपको आना चाहिए। तो वो टाइम में आपने वेदा कृष्णमूर्ति का बैटिंग देखा, वो विकेट जो आउट हुई थी याद है, ऊपर मार के आउट हुई थी, याद है। तो आपको क्या लगता है, उसने वो आउट होने के पहले 2 बॉल सेम शॉट खेली थी, एक बार पैड पे लगा था और एक बार इनसाइड लगा था। मुझे लगता है जो बंदा उसके सामने था उसको सिर्फ यही बोलना था भाई आप सिंगल में खेलो, पर वो दीप्ति बैटिंग कर रही थी उसे, दीप्ति और वो सिंगल में भी खेल लेते तो वो हो जाता, और वो दोनों दीप्ति भी बहुत अच्छी बैट्समैन है, वेदा तो है ही अटैकिंग बैट्समैन है, वो उसका वे है खेलने का, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमको वो जो प्रेशर होता है वो अब्सॉर्ब करने हैंडल करने आना चाहिए, तो वही हुआ नहीं तो हम पार नहीं लगे, अगर वो हो जाता तो शिवड़ा भी ना हीरो, वो उनके लिए एक लाइफ टाइम मोमेंट हो जाता, देखिए आज कोई
ये नहीं याद करता कि मोहिंदर अमरनाथ जो थे उन्होंने 10,000 रन किए क्या टेस्ट में, वो कोई याद नहीं है, वो किसी को पता है पूछेंगे नहीं, लेकिन हमको ये पता है कि मोहिंदर अमरनाथ ने हमको वर्ल्ड कप जिताया था, ही वाज़ द मैन ऑफ द सीरीज, वर्ल्ड कप में उन्होंने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया था कि यू नो कि हम वर्ल्ड कप जीत गए थे 83 का, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन था, बट यू नो एक स्टैंड आउट हो जाता है, तो जैसे हैरी का सेमीफाइनल में स्टैंड आउट परफॉर्मेंस हो जाता वो पूनम और इसका भी हो जाता, इसका वेदा था कि हमने वर्ल्ड कप जिताया, और वो फिर उनके आने वाली 100 पीढ़ियां वही बात करते रहते, वही सोचती कि हमें हमारा इंडिया का विमेंस का वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो इन लोगों ने हमें जीता है, तो ये बात जो होती है ना, ये इट इज मोर देन एनी फेम मनी और एनीथिंग, दैट यू नो यू राइट योर, आप अपना नाम इतिहास में लिखते हो, ये वाली बात होती है, क्रिकेटिंग हिस्ट्री में लिखते हो, लिख तो गए उनका नाम पूरी। ओके, तो आप विकेट कीपिंग करते हो, मैंने देखा, मैं जब आप जब भी वो टाइम में ऑलमोस्ट मैं 10 साल का था, तो जब देखा है कौन है विकेट कीपर, तभी शायद बच्चे कोई भी बच्चे रहते उनको नाम मालूम नहीं रहते कौन है, और आप तो पहले से ही स्टाइलिस्ट हो विकेट कीपिंग में, तो आपने विकेट कीपिंग ये स्टाइल आपका नेचुरल है और या और आपको कीपिंग किसने सिखाया? पहले तो मेरे को कीपिंग करनी नहीं थी, तो मेरे को कल्पना आचार्य कहते कोई था कीपर नहीं, तो उन्होंने ग्लव्स पहना के खड़ा कर दिया कि लड़की बॉल अच्छा पकड़ती है तो इसको खड़ा कर दो, हमारे पास कीपर नहीं है तो हमारा काम चल जाएगा, तो पर वो मेरा एक्सीडेंटली, मैं ना बहुत इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं आई एम वेरी आउटस्पोकन, मैं फ्रेंडली हूँ, तो मेरा इंटरेक्शन मेरे बॉलर्स के साथ अच्छा होता था, अगर कोई गलत डाल रहा है तो मैं सीधा बोल कहाँ डाल रहे हो ये, तो वो एक यू नो दैट नोबडी कैन टीच यू, जो इंटरेक्शन होता है आपका वो कोई सिखा नहीं सकता। हाँ, फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को, जैसे मेरे को पहले हम लोग शिवाजी पार्क में खेलते थे, वो हम मिस्टर कोहली करके एक कोच थे, फिर मैं बॉम्बे खेलने लगी तो साईराज बहुतुले के फादर थे, उन्होंने गाइड किया था थोड़े महीना दो महीना, फिर ऐसे करते करते फिर मेरे ब्रदर मेरे कोच थे, फिर रेलवे के लिए जब मैं खेलने लग गई वेस्टर्न रेलवे के लिए, तो डायना दी थे तो उन्होंने बहुत, और मेरे जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे वो बहुत मेहनत करवाते थे मेरे से, तो वैसे करते करते ना आई स्टार्टेड, बट मेरे एल्डर ब्रदर मेरे कोच थे काफी। और कीपिंग कुछ चीजें होती है ना जो आपके पास नेचुरली आती है, वो भगवान देता है आपको, आपको कोई वो डेवलप नहीं, जैसे यू नो इंटरैक्ट कोई सिखा नहीं सकता, मेरे रिफ्लेक्सेस, और मेरे जो सर थे है डॉक्टर केतकर, उन्होंने मेरे फिटनेस पे बहुत मेरे को हेल्प किया, तो उसके वजह से एज अ विकेट कीपर आई वॉज लाइक एक्सट्रीमली फिट एंड एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, तो वो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। मैं मेरे को लगता है मैंने बहुत लोगों के हालत खराब कर दिया है शोल्डर्स की, उनको कैच मेरे को मारते मारते वो थक जाते थे पर मैं थकती नहीं थी, सो ये चीज आप में आनी चाहिए कि जो आपको करवा रहा है वो आदमी थकना चाहिए, आप उस स्टेज पे जाओगे ना तो यू आर अ गुड कीपर, यू डोंट हैव टू वरी, वो चीज मुझे बहुत नेचुरली आ गई, तो आई डिडंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, रेलवे के बारे में बताओ, जब आपका जॉब हुआ, मुझे जितना मैंने सुना है कि रेलवे का ट्रेनिंग बहुत हार्ड होता है, भी वो लोग सब एक साथ रहते हैं हमेशा पूरा दिन ट्रेनिंग और प्रैक्टिस चालू रहता है, तो वुमेन्स टीम में भी वैसे ही? हाँ, पर वैसे ही था, वुमेन्स के लिए कोई अलग ये नहीं था, वी हैड टू यू नो प्रैक्टिस पूरा दिन रहता था हमारा, सिकंदराबाद कर्नल सिंह स्टेडियम आपको पता है, हैदराबाद या वाराणसी, हमारे वैसे है ना मुंबई महालक्ष्मी आपका आपको मालूम ही है बहुत फेमस है, अच्छा ग्राउंड है, तो हमारा वहां पे स्टे होता था, हमारा मेस लगता था हमारे को यू नो हम लोगों को सुबह 6 बजे से लेके फिटनेस, फिर उसके बाद फील्डिंग, फिर 10 बजे नेट्स, फिर शाम को फिर से 3:30-4 बजे से नेट्स, ऐसे करके हमारे 3-4 सेशन हुआ करते थे, एंड ऐसा हमारा टूर्नामेंट से पहले 15 दिन 20 दिन ऐसे कैंप लगते थे, एंड हम लोग हमारे मैचेस होते थे, तो ये जो एक सर्किट है ना कि आप
रहो वहां पे, कैंप करो, ये बहुत ही अच्छा एक फॉर्मेट है। तो आपको क्या रहता है, आप है ना वो टूर्नामेंट के मोशन में चले जाते हो जल्दी, यू नो एक प्रिपरेशन जो होता है वो पूरे दिन का होता है। जब अब हम किसी टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो हमारा कैसे होता है, हम 6 बजे उठते हैं, फिर यू नो वी ड्रेस अप, टेक द बस, गो टू द ग्राउंड, होल डे, तो वो एक सिस्टम होता है। तो हमारा वो सिस्टम हमारे कैंप्स में ही चलता था, यू नो, सो इट वॉज वेरी इजी। तो हमारे को वी वर ऑलरेडी यू नो प्रिपेयर्ड फॉर द मैच। वो बहुत डिफिकल्ट है, पर अगर आप कोई डिफिकल्ट चीज नहीं करो तो आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। तो वो मुझे, मैं 15 साल खेली हूँ इंडियन रेलवे के लिए एंड आई हैव एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट। ओके, तो अभी भी आप हो रेलवे में? मैंने अभी मेरा जॉब में मैंने VRS लिया, मेरे को 21 इयर्स हो गए वेस्टर्न रेलवे के लिए खेलते हुए। सो टिल द लास्ट डे आई वाज प्लेइंग, आई प्लेड 21 इयर्स। मैंने वीडियो देखा है आपका, मैंने वीडियो देखा लास्ट मैच का, वो वीडियो देखा है मैंने 21 इयर्स वो मेरा टूर्नामेंट था, वो मैंने खेला और फिर मैंने मई में रिटायरमेंट मेरा हुआ। तो आई वॉज ब्लेस्ड, ऐसे रिटायरमेंट बहुत कम लोगों को मिलता है, तो वो भी आई थिंक गॉड हैज बीन काइंड। और अभी रेलवे की टीम सबसे बेस्ट है अभी वुमेन्स में? अभी मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि एक फॉर्मेट में नेशनल बंगाल जीता है, बंगाल टीम वन नेशनल, तो बेस्ट हम नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हम लोग नहीं तो पहले यू नो इट वॉज द बेस्ट, बट वी हैव गॉट द बेस्ट प्लेयर्स, वी हैव गॉट 8 or 10 इंडिया प्लेयर्स, वी हैव गॉट द बेस्ट प्लेयर्स इन द कंट्री, बट स्टिल दिस इज अ पॉजिटिव साइन। मैं बोल सकती हूँ ये पॉजिटिव साइन है कि स्टेट टीम्स अच्छा करके जीत रही है, तो एक वेकअप कॉल है रेलवे के लिए कि यू नो वो भी अच्छा कर रही, देयर इज समथिंग यू नो रॉन्ग, सो दे हैव टू रेक्टिफाई। हर वक्त जीतना भी आई थिंक सो इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है कि सिर्फ रेलवे जीते, अगर स्टेट टीम्स भी अच्छा करने लगे स्टेट टीम्स भी अच्छा करने लगे तो इट इज अ गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट। राइट, तो अभी के मैचेस में, अभी की जो टूर्नामेंट हो रहा है स्टेट के, और कौन सा टीम बचे हैं? रेलवे बंगाल हो गई, और कौन है? रेलवे हो गई, बंगाल हो गई, मुंबई है, बड़ौदा है, यू नो महाराष्ट्र, यू नो ऑल ओवर देन डाउन साउथ देयर आर गुड टीम्स, केरला एंड ऑल आल्सो डूइंग गुड। अभी काफी नए टीम्स, पांडिचेरी, उत्तरांचल, ये 3-4 टीम्स जो है वो नए बना है, या असम, फिर नागालैंड, चंडीगढ़, ये टीम्स बहुत ऐड हो गई है, 4 या 5 टीम्स जो है ना वो बहुत ऐड हो गई है, तो दैट इज यू नो मेड यू नो इट विल ग्रो, क्रिकेट इज ग्रोइंग सम, तो कहीं ना कहीं लड़कियां, मीन अगर आप कहेंगे कि 5 टीम्स डोमेस्टिक लेवल में आ गई है, यानी 5 आप कही है ना 100-150 लड़कियां यू नो हैव स्टार्टेड टेकिंग अप क्रिकेट मोर, और 150 लड़कियां क्रिकेटिंग सर्किट में आ गई, और कहीं ना कहीं से वो रॉ टैलेंट बाहर निकल के आ ही जाता है, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा तो वो आएगा ही। राइट, अभी आप BCCI में, CAC में हो, तो उसमें आपका रोल क्या रहता है? द रोल इज वेरी सिंपल, यू नो वी हैव टू, जो सिलेक्टर्स हैं उनका हमें सिलेक्शन करना है और उनके इंटरव्यू, दैट इज आवर जॉब। तो एक अभी आई थिंक सो द चेयरमैन एंड वन ऑफ द सिलेक्टर्स वर अपॉइंटेड, वही रोल है, सो ट्राई टू डू इट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट, दैट्स आवर रोल। कभी आपने सोचा है कोचिंग करने के लिए मुंबई या रेलवे या फिर इंडियन टीम के लिए? डेफिनेटली मौका मिलेगा तो करूंगी, पर अभी मैं ना हमेशा एक चीज जब कर रही हूँ तो मैं वो एक चीज करूंगी, वो फिनिश करूंगी। फिर कोचिंग मैंने आपके साथ ही किया था TMCA के लिए, वो एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था अच्छा, पर यस आई विल डू, मैं थोड़ा थोड़ा हेल्प करती हूँ, पर अभी नहीं। इससे पहले जो मैं मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था तो तब आई वॉज गोइंग टू टेक द राजस्थान टीम, पर मैं नहीं ले पाई क्योंकि मुझे ये
अपॉइंटमेंट हुआ मेरा ये, तो ऑफकोर्स फ्यूचर में कोचिंग करूंगी. वही एक चीज है जिससे आप डायरेक्ट क्रिकेट क्रिकेट से अटैच रहते हो, सिलेक्शन सिलेक्टर होना या यू नो एडमिनिस्ट्रेटर होना, ये आप क्रिकेट को हेल्प कर रहे हो, बट आप यू नो यू आर नॉट 100% इन्वॉल्व. 100% इन्वॉल्व तभी होता है जब आप मैदान पे खड़े हो, ये मेरा खुद का मानना. जब आपके जूते गिरते हैं तभी आप क्रिकेट में है, ऐसे लगता है योर ब्रीदिंग. ओके, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है स्पेशली विकेट कीपर अगर कोई रहेगा तो पूछ सकते हो. ओके, वुमन्स क्रिकेट, अभी नॉर्मली सबको पता है कि वुमन्स ग्राउंड पे जाके खेलते तो कितना स्ट्रगल है, क्योंकि घर से नॉर्मली कोई माँ बाप होता है, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है कि नॉर्मली लड़की बोले तो बाहर खेलने नहीं छोड़ते, ठीक है. तो आपको उसका क्या लगा, अभी चेंज हो रहा है क्रिकेट, वो स्लोली वो कल्चर चेंज होते जा रहा है और फाइनेंशियली भी क्रिकेट में पैसा आते जा रहा है, तो बहुत सारे पेरेंट्स से रहते कि वो अपने लोग को पुश नहीं करते, वो चांस नहीं देते, सिर्फ पढ़ाई करने बोलते, तो उनके बारे में आपको क्या लगता है? मुझे ये पहले तो ये नहीं लगता कि हमारा कल्चर ये नहीं कहता कि वी शुडंट, हमें मैदान में नहीं जाना चाहिए. ये हमारा एक माइंडसेट है कि हमको हमारी लड़कियां भेजनी है, हम पढ़ाते तो है ना, वी एजुकेट गर्ल्स. तो अगर मैदान में तो रानी झांसी भी उतरी थी जब जरूरत पड़ी, तो ये तो हमारा, अगर हम कल्चर लेंगे तो हमारा कल्चर और हिस्ट्री तो ये नहीं बताती कि आपको लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए. इट इज एवरीबडी, ये सबका खुद का ये है इंडिविजुअल थॉट है कि मुझे अपनी लड़की को कैसे बड़ा करना है. अगर बेटा नहीं हो तो आपकी बेटी आपको संभालेगी, अपने माँ बाप को संभालेगी, तो फिर वो क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकती, या कुछ भी हॉकी कुश्ती या जो भी है क्यों नहीं खेल सकती, देश के लिए खेल सकती है. तो ये एक पहले तो हर माँ बाप के ऊपर है कि वो कैसे सोचते हैं, तो ये उनको ऐसे सोचना चाहिए, अगर मेरा बेटा नहीं होगा तो मेरी बेटी संभालेगी. अगर वो संभालेगी तो वो देश को, अगर कोई लड़की देश को संभाल सकती है तो वो मैदान में उतर के भी खेल सकती है. तो पहला ये एक थॉट प्रोसेस रखिए. और दूसरी बात, ऐसा कुछ नहीं है मैदान में आप जाके, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. लड़कियों की भी एकेडमीज होती है, यहाँ सिर्फ लड़कियां होती है, क्योंकि कुछ कुछ कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है कि लड़कों के साथ खेलने में वो लड़कियों को दिक्कत होती है, तो वो एक ये होता है, एक संस्कार होता है, या उनको पता नहीं, वो थोड़ा शर्म आती है. पर थोड़ा थोड़ा लड़कों के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है. आपको अपना क्रिकेट इम्प्रूव करने के लिए लड़कों के साथ भी खेलना चाहिए. मैंने तो मेरे बचपन से लड़कों के साथ ही खेला है, मेरे भाई थे, फिर इवन मेरे को क्रिकेट इम्प्रूव करने के लिए भी मैं मैचेस वगैरह हम लड़कों के साथ खेलते थे. तो डिफिकल्ट है बट अभी बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा, ये मैं कह सकती हूँ श्योर. मैं भी इंग्लैंड में जो क्लब क्रिकेट खेलता था तो वहां ऐसा कि वुमन क्रिकेट में नहीं खेल सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है. अगर कोई लड़की अंडर 14 मैचेस होते तो वहां अंडर 14 लड़की भी खेल सकती है. तो ऐसे मैंने बहुत सारे, इवन ओपन में भी एक लड़की को मैंने देखा था, वो टेलर फर्स्ट सारा टेलर जो इंग्लैंड की विकेट कीपर थी, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है मेंस के साथ, इंग्लैंड मेंस के साथ. अच्छा, तो कई ऐसी लड़कियां हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट मेंस के साथ खेली हुई है. हमारे यहाँ ऐसा रूल नहीं है कि हम या यू नो नॉकआउट्स जो कांगा लीग के लेवल होता है या समर वेकेशन होता है या जो ज्यादा ऊपर का लेवल क्रिकेट नहीं होता है, वो वहां हम एक्चुअली खेल सकते हैं मेंस के साथ, पर वो हमारे यहाँ वो रूल है कि हम मेंस के साथ ही खेलना है और विमेंस के साथ ही खेलना है. नहीं तो एक क्लब लेवल पे यू नो अगर ऐसा कोई प्रोविजन हो क्या लड़कियां खेल सकती, बट कभी कभी मुझे लगता है विकेट्स आर अनप्रिपेयर्ड इन इंडिया, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है. इंग्लैंड वगैरह कैसे तो विकेट यू नो एवरीथिंग ग्राउंड कंडीशन इज बहुत वहां पे अच्छी रहती है, क्योंकि वहां का वेदर वैसे है. हमारे यहाँ वैसे कंडीशंस होना
या फैसिलिटीज होना बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है वुमेन्स क्रिकेट में मैंने देखा है कि टूर्नामेंट बहुत कम होते हैं, तो एक लड़की में आती थी, उसने से बोला कि उनका सिर्फ सिलेक्शन होता है, एनसीए कैंप जो रहता है समर कैंप, तो वैसे ही सिर्फ कैंप होता है 10-15 दिन में, सडनली फटाक से मैचेस स्टार्ट हो जाते, तो वो टाइम में कैसा उन्हें एक्सपीरियंस नहीं रहता मैचेस का, और उनको मतलब कोचेस जो भी रहते हैं उन्होंने बहुत लोगों को देखा नहीं रहता है, तो उनको भी टीम निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है, क्योंकि टूर्नामेंट्स ज्यादा नहीं होंगे तो लड़कियां जल्दी इम्प्रूव नहीं होंगे और एक्सपीरियंस नहीं आएगा। देखिए जैसे आप एमसीए या कोई भी स्टेट क्रिकेट के लिए कह रहे हैं, तो वो अगर आप कोच है तो ये आपका ड्यूटी बन जाता है, अगर आपको 30 लड़कियां दी गई हुई है तो आप प्रैक्टिस करवाइए, यू नो उसमें हमको ये पता चलता जाता है कि मेरी कोर टीम कौन सी है, कि ये 7-8 जन बहुत अच्छे हैं, विमेन्स में ये पता चला ये 7-8 जन बहुत अच्छे हैं। समर कैंप, समर कैंप जो मुंबई का प्रोबेबल का नहीं, समर कैंप जो होते मैचेस ज्यादा होने चाहिए, जैसे आप मैच अगर आपके पास 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों में एक सेल्फ आप 5 मैच खेलना चाहिए, 5 मैच, तब आप वो 30 बच्चों में अगर 5 मैच हो गए तब उनको यू नो प्रॉपर चांस मिलेगा, दोनों टीम में से 15-15 लोगों को प्रॉपर चांस मिलेगा, जो 5 बेंच, 4-4 लोग बेंच पे भी बैठ रहे उनको भी हर एक मैच में एक 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 या दो मौके आप दे सकते हो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट के मैचेस हो, जितने ज्यादा मैचेस होंगे दैट्स द बेस्ट वे टू नो अ क्रिकेटर्स पोटेंशियल, कि वो उसकी कैपेसिटी क्या है क्रिकेटर, वो मैच में पता चलती है, नेट में आप कुछ भी करो, नेट फाड़ दो, बॉल मार के बॉल फाड़ दो, बैट तोड़ दो, कुछ नहीं हो सकता, योर कैपेसिटीज कम आउट इन द मैच इटसेल्फ, हाउ यू हैंडल प्रेशर, हाउ यू सपोर्ट योर टीममेट्स, यू नो यू कैन बी अ टीम प्लेयर, नॉट नेसेसरी इंडिविजुअली योर अ ग्रेट प्लेयर, और आप हर कोई 10,000 और 5,000 रन नहीं कर सकता, बट सामने रह के जो 10,000 रन करने वाले प्लेयर्स हैं उनको भी तो आपको सपोर्ट करना है, वो भी एक रोल है, तो यू कैन नॉट अंडरमाइन दैट के वो रोल है नहीं क्रिकेट में, वो है। वर्ल्ड कप के बाद में इंटर स्कूल स्टार्ट हुए मुंबई में स्पेशली, तो एक प्लस पॉइंट मुंबई प्लेयर्स के लिए। क्वेश्चन था गगनेश का, इन मेल्स विकेट कीपर्स हु विल यू चूज, राहुल, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, वृद्धिमान साहा। सी वृद्धिमान साहा इज इन अ वेरी डिफरेंट लीग ऑफ विकेट कीपिंग, सो एज अ विकेट इंडिविजुअल विकेट कीपर इफ यू सी हिम एट द एज ऑफ 37-38 ही इज आउटस्टैंडिंग, हिज रिफ्लेक्सेस, हिज फिटनेस इज वेरी गुड, ऋषभ पंत एंड संजू साइमन, आई वुड पुट देम बोथ, संजू साइमन Samson, sorry, Sanju Samson, I would put him equally on one pedestal because के वो लोग दोनों एक ही मेरे तरह मुझे लगता है वो दोनों अच्छे हैं, अभी यहाँ से ये अच्छे हैं वो अपने आप को कैसे प्रूव करते हैं वो हमें आगे चल के पता चलेगा, तो बहुत टैलेंटेड है दोनों, दोनों बहुत अच्छे विकेट कीपिंग, आई थिंक सो उनको थोड़ा और ब्रश करना पड़ेगा, स्पेशली ऋषभ पंत, both of them are really good, but the only thing is you know wicket keeping बहुत difficult है, जो wicket keeping test में रिद्धिमान साहा करते हैं is outstanding, जो consistency उनकी है as a wicket keeper is outstanding, but these two people are really young and जैसे जैसे वो खेलेंगे improve होएंगे, domestic cricket खेलेंगे, international खेलेंगे तो वो improve हो जाएंगे। okay, आपका role model कौन था? My role model as such was like wicket keeping. I used to really like Nayan Mongia, then Adam Gilchrist, then from I had I can't say role model. Meko har ek cricketer mein I used to feel you know you should there are things which you have to take from everybody. Right. You just keep आपको एक ही इंसान को stick नहीं करना चाहिए वो तो फिर वो blind play faith हो जाता है. You know, आपने पट्टी बांध, यू आर फॉलोइंग, यू आर अ फॉलोअर, आई एम नॉट, आई कांट फॉलो, आई एम लर्निंग, आई लाइक टू लर्न, सीक, आई लाइक टू सीक, तो
मुझे हर किसी से सीख, जैसे राहुल द्रविड़ है या सचिन तेंदुलकर जी है, तो उनसे आप सीखते हो, उनको बस देखो आपके उनका डेडिकेशन का क्या लेवल क्या है. यू नो, एक शॉट प्रैक्टिस करते हैं राहुल द्रविड़, हम एनसीए में जाते थे तो हम देखते थे कि वो चार चार पांच पांच घंटे एक शॉट प्रैक्टिस करते थे. ओनली वन सिंगल शॉट इज प्रैक्टिसिंग. और यू नो, आई हैव सीन सर प्रैक्टिस इन बीकेसी, लाइक, सो इट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. आप जो ऑस्ट्रेलियंस आप देखते हैं, माइकल हसी को हमने देखा है प्रैक्टिस करते हुए, या एडम गिलक्रिस्ट को देखा है, वो क्या क्या ड्रिल्स करते थे जब वो बचपन में खेलते थे, तो वो उनकी सीरीज थी हमारे पास, तो वो सब चीजें हमने देखी है और यू नो उसे सीखने को मिलता है. ओके, अभी रैपिड फायर क्वेश्चन खेलते थे. हाँ सर. ओके, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बताना है, जो भी बताऊंगा बस, जैसे कि मैं बैट्समैन, फेवरेट बैट्समैन, बॉलर. ओके, फेवरेट बैट्समैन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, वसीम जाफर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सचिन तेंदुलकर. बॉलर डोमेस्टिक इज अ लिटिल डिफिकल्ट. डोमेस्टिक ऑल टाइम विमेन भी हो सकता है ना. हाँ हाँ, चले जो भी है. नीतू डेविड ऑल टाइम फेवरेट. नीतू डेविड, आई शी इज बीन अ प्लेजर टू प्ले विद नीतू डेविड, एंड इंटरनेशनली आल्सो नीतू डेविड. अच्छा, नीतू डेविड और झूलन गोस्वामी. आई एंजॉयड प्लेइंग विद देम. एंड झूलन गोस्वामी सबसे फास्टेस्ट है क्या अभी भी? नहीं, अभी भी नहीं. There is Australians and all are much faster. I don't know right now सबसे fast कौन है, पर I don't think so. She was fastest. See, pacer के लिए 34-35 के बाद fastest in the world रहना women's में थोड़ा difficult. नहीं, अभी नहीं, मतलब एक record तो. Yeah. First she was, then there was Elise Perry, then there was one more. सैमसन करके थे वो, शी वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. देन ब्रंट फ्रॉम कैथरीन ब्रंट. तो वो तो वेरी होते रहता है प्लेयर का फिटनेस के, पेसर का फिटनेस के ऊपर उनका पेस वेरी होते रहता है. ओके, बेस्ट विकेट कीपर, आपको फील्डर नहीं पूछ सकता मैं आज, विकेट कीपर डोमेस्टिक में खुद. आई लव माय विकेट. इंटरनेशनल International, I would say Sarah Taylor. Sarah Taylor and Mahendra Singh Dhoni. Dhoni, okay. Because all of time. Yeah. Okay, best all rounder. Best all rounder. Men's mein, domestic mein, I think, मुझे बहुत difficult पड़ रहा है men's mein choose करने के लिए. वुमेन्स में भी चलेगा. आई थिंक आई वुड रादर पुट इट एज रुमेली दर. अकॉर्डिंग टू मी शी वॉज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, बॉलर, बैट्समैन. एंड अमिता शर्मा, दे बोथ वर वेरी गुड द वे दे यूज्ड टू कंट्रीब्यूट फॉर इंडियन रेलवे. तो मैंने उनको कंसिस्टेंटली देखा है, तो आई वुड रादर पुट पीपल हु हैव सीन कंसिस्टेंटली परफॉर्म, रुमेली दर एंड अमिता शर्मा. इंटरनेशनली कपिल देव ऑल टाइम फेवरेट. एंड right now I think very underestimated and underperformed, I mean underestimate jinko kiya Ravindra Jadeja. He is Indian player. I will never want to. Ek best rahega agar aap women's players ka bhi agar naam loge to acha rahega, kyunki bahut sare log Bollywood mein aapne ek do naam aise mere kabhi suna nahi, kyunki wo humne dekha nahi, kyunki hum dekh बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नीतू डेविड इन इंडियन क्रिकेट. 2005 में जो हम वर्ल्ड कप फाइनल गए थे उसमें शी वॉज द हाइएस्ट विकेट टेकर. और आप उनके इंटरनेशनल एनालिसिस देखेंगे ना, इन कुछ 93 मैचेस में वगैरह उनके 150 विकेट है इंटरनेशनल वनडे, जैसे वनडे की बात कर रही हूँ वो. और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थी टेस्ट क्रिकेट में, हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन अ इनिंग.
उन्होंने 8 या 9 विकेट लिए थे उन्होंने कुछ इन अ इनिंग, तो 8 विकेट उन्होंने, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उनका। पर तब क्या, जब उन्होंने डेब्यू किया था तब वो पब्लिसाइज नहीं हुआ, और कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं था, तो यू नो शी हैज वन प्लेयर हु हैज बीन आउटस्टैंडिंग, मुझे लगता है एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो आई हैव नेवर सीन समबडी लाइक हर, एंड यू विल नेवर सी आल्सो इन द कमिंग टाइम। ओके, मैंने एक बार वर्ल्ड कप जब था अपना, जो अभी का वर्ल्ड कप हुआ था, जो फाइनल में हारे थे इंग्लैंड में, उसके पहले मैंने सेमीफाइनल के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ, इवन वसीम जाफर भी थे, और वुमेन्स क्रिकेट के बहुत सारे इंटरनेशनल, आपने जो नाम लिया था वो मैडम भी थी, तो बहुत सारे क्रिकेटर्स थे, और संगीता कामत उन्होंने हेल्प किया था मुझे थोड़े क्रिकेटर्स के साथ, इवन वसीम भाई थे, करण शर्मा था जो भी इंडिया खेले, बहुत सारे प्लेयर उनका मैंने वीडियो बनाया था वो टाइम में की सपोर्ट, इवन पूनम राउत ने भी वीडियो बनाया था वो टाइम में, तो वो पूरे इंडिया में फैल गया था। तभी भी सच में बताऊं मुंबई में हार्डली कोई दिख रहा था वो टाइम में, मैंने वो पोस्ट किया था, बहुत लोगों ने देखा कि 1000 के ऊपर व्यूज थे, 1000 to 2000 व्यूज थे, अभी याद नहीं ज्यादा भी हो सकते तो उतने तो मिनिमम, तो वहां पे वो क्रिकेट का हंगामा स्टार्ट हो गया, बाद में वो जीते सेमीफाइनल क्लास मैच हुआ था वो, बाद में फाइनल भी अच्छा हुआ, तो वहां से वो और क्रेज बढ़ गया। अभी दीप्ति शर्मा और पूनम राउत ने भी रिकॉर्ड किया दोनों ने, दीप्ति ने 200 रन, दीप्ति शर्मा ने ग्रोन अ लॉट एज अ क्रिकेटर, उन्होंने अपना क्रिकेट बहुत इंप्रूव किया है, शी इज वेरी गुड ऑलराउंडर एक्चुअली, ऑफ स्पिन भी बहुत क्लासिक एक्शन लगता है, वो बैट्समैन ज्यादा बेटर है, और फिर देन आई वुड रेट हर एज अ ऑफ स्पिनर, शी वाज अ पार्ट टाइम बॉलर जो ऑलराउंडर अपने आप उन्होंने बनाया, अपनी बॉलिंग बहुत इंप्रूव की है, उनकी बैटिंग हमेशा से बैट्समैन करके ही वो खेली हुई है, जब उन्होंने डेब्यू किया था वो शी वाज एज अ बैट्समैन बॉलर, बट बैटिंग आल्सो इज वेरी गुड, बॉलिंग इज आल्सो इंप्रूव्ड अ लॉट, सो वो टेक्निकली बहुत राइट हिटर है। ओके, और आपकी फेवरेट टीम? मेरी फेवरेट टीम डोमेस्टिक मुंबई एंड रेलवेज ऑलवेज, एक बताना है तो फिर आई थिंक इंडियन रेलवेज बताना पड़ेगा, या वेस्टर्न रेलवेज, नहीं बिकॉज आई हैव प्लेड 15 इयर्स फॉर दैट टीम, द ग्लोरी टीम हैज गिवन मी द आइडेंटिटी विच आई हैव गॉट, मुंबई ऑल्सो गेव मी द सेम आइडेंटिटी, इट गिव मी अ प्लेटफॉर्म, बट टू प्ले द बिग लेवल, जो बड़ा क्रिकेट मैंने खेला है, बड़ा क्रिकेट, और इतने साल मेरे पास अगर रेलवे नहीं होता तो मेरे पास 18 नेशनल टाइटल्स नहीं होते एज अ विकेट कीपर, 18 यू नो ऑल फॉर्मेट्स, वन डे, T20 और डेज फॉर्मेट में आपको इतने नेशनल टाइटल्स जीतना इम्पॉसिबल, तो रेलवे ने मुझे वो दिया है, मुझे जितना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी है वो रेलवे ने दी है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली तो रेलवे इज ब्रेड एंड बटर। एंड इंटरनेशनल में इंडियन टीम, वुमेन्स ऑलवेज, आई एम अ टोटली देसी, बहुत देसी हुआ है हार्ट। एक्चुअली मैं सबको जब भी पूछता हूँ तो इंडिया का नहीं पूछ, इंडिया छोड़ के बोलता हूँ, तो अभी इंडिया छोड़ के फिर विमेन्स ऑस्ट्रेलिया टीम, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त कंसिस्टेंट रहे हैं, बहुत ही कम उनका ग्राफ ऐसे गया है कि वो जो नीचे गया होगा वर्ल्ड कप वर्ल्ड स्टेजेस पे, बहुत कम हो गया कि ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत खराब खेली है, एक हाथ दो बार हुआ, बाकी उनका जो ग्राफ है हमेशा ऊपर ही रहा है। ओके, और आईपीएल टीम फेवरेट? आईपीएल मुंबई इंडियंस। ओके, जो भी यंग विकेट कीपर्स है स्पेशली वुमेन्स क्रिकेट में, एकेडमी में छोटी लड़की 10 इयर्स की विकेट कीपिंग लास्ट ईयर ज्वाइन हुई थी, कुछ आइडिया नहीं था, अभी स्ट्रॉन्ग भी बहुत, ओवर में भी ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट करती है, मैं भी पागल हो गया, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है,
शर्मीले, बहुत शर्मीले, नॉर्मल जो भी जो छोटा रहता है वो शर्मीले ही रहते हैं, ज्यादा बात नहीं, धीरे धीरे खुल भी बात करते रहते तो विकेट कीपिंग मुझे अगर उसको सुधारना रहेगा तो जो आप बता सकते हो, और उसको क्या क्या वर्क करना चाहिए, किस बॉडी पार्ट पे वो ज्यादा वर्क करना चाहिए, और टेक्निकल और स्किल में किस चीज पे वर्क करना चाहिए? पहले तो उसको थोड़ा इंजॉय करवाना चाहिए। जो ड्रिल्स हम देते हैं वो शायद आप उसको लेदर बॉल से ना करवाए, पहले सॉफ्ट बॉल से उसका गैदरिंग इम्प्रूव करें। एक बार उसका ग्लव वर्क इम्प्रूव हो गया और थोड़ा फुटवर्क उसको, वही वही ड्रिल्स में उसका फुटवर्क उसको करवाए, तो एक बार उसका गैदरिंग थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होने लग गया तो उसको फिर लेदर बॉल से आप करवाना चालू करें। और लेदर बॉल से भी सिंपल ड्रिल्स करवाए, जैसे थ्रो डाउन करे और उसको बोले बैठे और वो कलेक्ट करे, जो सिंपल सिंपल चीजें हैं वो। फिर धीरे धीरे उनको नेट, जैसे उनका गैदरिंग इंप्रूव हो जाए तो धीरे धीरे उनको नेट्स में आप, और बेसिकली उनको हमेशा हेलमेट के लिए इनकरेज करें जब वो नेट में कीपिंग करते हैं, और या तो फिर फेस मास्क जो आता है वो पहने वो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हेलमेट से जब हम थोड़ा थोड़ा ऊपर का लेवल क्रिकेट खेलने जाते हैं तो हेलमेट से जब हम मीडियम पेसर्स को कीपिंग करते हैं तो एक ज्यादातर लोगों को आदत पड़ जाती है हेलमेट पहने के, तो उनको फियर लगता है वो मीडियम पेसर को विदाउट हेलमेट विकेट कीपिंग करना। तो फेस मास्क इज अ बेटर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी, वो हल्का रहता है। फेस मास्क में और पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा, विकेट कीपिंग में रहता है कुछ फेस मास्क? हाँ रहता है ना वो एरो का रहता है फेस मास्क, वो जैसे वो मैं खुद फेस मास्क ही पहनती थी। आई यूज टू वेयर अ फेस मास्क फॉर लाइक मोर देन 10 इयर्स, ओके, दैट वॉज एरो का था वो, पर वो मैंने ऑस्ट्रेलिया से मुझे मिला था। अभी इंडिया में जैसे वो बेसबॉल प्लेयर्स पहनते हैं वैसे क्रिकेट के लिए एक फेस मास्क आता है, सो दैट इज ऑल्सो गुड। तो पर गैदरिंग गैदरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका गैदरिंग अच्छा हो तो फिर यू नो थोड़ा थोड़ा एथलेटिज्म आपका अच्छा होते जाता है, फुटवर्क अच्छे होते जाता है, पर एक गैदरिंग एंड आई कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बेसिक्स पे आप उनके वर्क करें तो और अच्छा फिटनेस रहेगा। कितना इम्पोर्टेंट है, कि मुझे जितना मालूम है कि विकेट कीपिंग और फास्ट बॉलिंग सबसे डिफिकल्ट है, तो फिटनेस फिटनेस को सबसे इम्पोर्टेंट, फिटनेस ही इम्पोर्टेंट है, आप फिटनेस करना ही चाहिए। और जो विकेट कीपर है वो आई थिंक, तो मुझे लगता है एक मैं खुद को जब देखती हूँ तो ये मुझे पता नहीं है, पता नहीं था ये मुझे, जब मैं रिटायर्ड एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग के क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आई टू लुक के पीपल जो मेरे साथ विकेट कीपर्स है उनको इंजरीज होती थी या उनको प्रॉब्लम, तो मैं सोचती थी कि उनको क्यों होता है, क्या कर रहे हैं ये, यू नो आई टू, आपको देखना चाहिए कभी कभी दूसरों की गलती से आप इम्प्रूव करते हो। मुझे लगता है आई यूज टू बी द फर्स्ट टू कम एंड यूज टू बी द लास्ट टू गो। मेरी बैग बहुत हैवी हुआ करती थी, आई टेक ऑल माई टाइम, मेरी जब फिटनेस कीपिंग एक तेज था, जब नेट चलती थी तो आई टू कीप फॉर 10 पीपल, मेरी बैटिंग होती थी ओपनिंग और फिर जितने लोग बैटिंग करेंगे मैं सबके लिए कीपिंग करूंगी। तो आपको उतना, अगर आप नेट में ही इतना प्रैक्टिस करोगे ना तो मैच आपको 50 ओवर का कोई दिक्कत नहीं लगेगा। फिटनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज इन एनी स्पोर्ट, एनी स्पोर्ट, गिवन आप चेस भी खेलोगे ना तो मैंने आजकल सुना है कि बहुत ही से चेस प्लेयर्स भी फिटनेस करते हैं, यू नो अच्छा, कीप देम माइंड माइंड ऑल्सो फिट। शॉट कौन सा है आपका? मेरा फेवरेट शॉट एक्चुअली स्ट्रेट ड्राइव है, पर वो आई वाज नॉट रियली गुड एट इट, मैंने वो डेवलप किया एंड कट, आई वाज वेरी गुड एट स्क्वायर कट और कट शॉट। ओके, और आपका क्रेज जो बाइक, बाइक के बारे में जो आपका बहुत क्रेज है बाइक? मैंने एक्चुअली बाइक्स बहुत जल्दी चलाना चालू किया था बिकॉज इट वाज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैं जब 18 की तब से मैंने बाइक चलाना चालू कर दिया था, तो बिकॉज मुझे शिवाजी पार्क जाना होता था और बस में आपको पता है बांद्रा से शिवाजी पार्क
किट बैग लेके बस में तो धक्का मार देते थे कि बस का भी टिकट निकालो, मीन वो किट बैग बड़ा वाला, तो लोग यू नो दे पीपल यूज टू स्टेयर कि ये बड़ा बैग है, लड़की अच्छी सी लड़की कहाँ ले जा रही, तो बहुत दिक्कत होती थी। तो मेरे ब्रदर और फादर ने मुझे एक बाइक लेके दी थी, तो वो बाइक जब मैं चलाती थी तो डायना मैडम ने मेरे को डांट दिया था कि तू बाइक नहीं चलाएगी, बाइक लेके नहीं आना है ग्राउंड पे वेस्टर्न रेलवे के प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि वो कहते थे बाइक गिरोगे तो फिर करियर खत्म। तो मैं छुपाती थी मेरी बाइक कहीं दूर और फिर आई यूज टू गो, पर फिर आई गॉट माई सेल्फ अ कार। तो मेरी जब रिटायरमेंट हुई 2013 में, मैं कैजुअल राइडिंग करती थी, तो मैंने एक बुलेट ली थी, मेरे पास रॉयल एनफील्ड थी क्लासिक 500 cc। फ्रॉम दैट आई डेवलप कि मैंने बोला कि नहीं, अभी मैंने थोड़े दिन चलाई वो 6 महीने, तब मैं खेल रही थी मुंबई के लिए क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग सीरियस क्रिकेट, सो आई वॉज नॉट कि मैं रिटायर होने वाली हूँ वगैरह, वर्ल्ड कप नजदीक था। फिर वर्ल्ड कप होने के बाद आई टुक अ हार्ली डेविडसन, अभी मेरे पास डुकाती है, हार्ली डेविडसन 48 है। मैं बहुत राइडिंग करती हूँ आउट ऑफ मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, ऐसे बाइक पे घूमती हूँ, मुझे बहुत शौक है। तो साल में बाइक्स का ग्रुप है, मेरा ग्रुप है, मेरा हाली का ग्रुप है, मैं उनके साथ बहुत राइडिंग करती हूँ। पर ये मैं सब करती हूँ रिटायरमेंट के बाद, देखिए हाँ। क्योंकि क्रिकेट में जितने भी मेरे को सुनने वाले, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप क्रिकेट खेलने के बाद ही बाइक चलाए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि बाइक चलाना इज अ वेरी फैंसी थिंग, यस इट इज वेरी कूल थिंग, सबको लगता है इट इज कूल, बट ये कूल थिंग तब करिए जब आपका क्रिकेटिंग करियर खत्म हो जाए, क्योंकि अगर आप गिर गए या किसी ने आपको ठोक दिया और आप गिर गए, आपका कल रणजी ट्रॉफी के लिए जाने का है और यू फ्रैक्चर योर हैंड एंड और योर लेग और आपको इंजरी हो गई, योर करियर इज फिनिश्ड, क्योंकि आपकी जगह लेने के लिए और 100 लोग बैठे हुए हैं। गगनेश का कैन नॉर्मल गेट चांस टू प्लेइंग रेलवे जोनल क्रिकेट मैच? नो, नॉर्मल क्रिकेट एम्प्लॉय कांट गेट अ चांस टू प्ले क्रिकेट। आपके मे बी जो जोन रेलवे की अगर कोई डिविजनल टीम वगैरह हो तो आप उसके लिए खेल सकते हैं क्रिकेट, तो उसके लिए आपको शायद अगर आप अच्छे क्रिकेटर हो तो शायद आपको लिया, तो बाकी आई थिंक सो मोस्ट ऑफ देम जो स्पोर्ट्स रिक्रूट होते हैं क्रिकेटर्स वही खेल सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट वुमन में रेलवे में जो रिक्रूटमेंट होता है उसका प्रोसीजर क्या रहता है? इट इज के रेलवे का जो एड होता है, एड आता है ईयरली, उसमें स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट में अगर आपका अगर पेपर में एड निकला है और तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट होते हो, समझो ऑलराउंडर है, मीडियम पेसर है, उसके लिए एड निकाला हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर यू नो या आप इंडिया प्लेयर हो आपको करना है तो यू कैन अप्लाई। कौन कौन से लेवल के प्लेयर आ सकते हैं सिलेक्शन के? फर्स्ट 3 पोजीशन आना आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कौन से भी स्टेट यूनिवर्सिटी या नेशनल कहते हैं, अगर आप मुंबई रणजी ट्रॉफी के लिए खेल रहे हो तो आपकी टीम फर्स्ट 3 पोजीशंस में आना बहुत जरूरी है, तो आप वो क्राइटेरिया में एलिजिबल होते हो, फिर आप ट्रायल्स के लिए बुलाए जाते हो और फिर अगर उसमें आप पास होते हो तो आप यू कैन गेट इनटू रेलवे। इट इज अ डिफिकल्ट। मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरा रेलवे में जॉब हुआ था और मैंने जॉब नहीं लिया था, मेरे टाटा में जॉब लिया। इट इज अ पर्सनल चॉइस, आप हर किसी का एक पर्सनल चॉइस होता है कि इफ यू हैव अ चॉइस यू विल पिक द बेस्ट चॉइस, आपको जो सही लगता है आप अपने लिए वो ही करो। तो कभी कभी किसी को लगता है कि मैं ये करता तो अच्छा होता, ये करता तो अच्छा होता, तो इट इज योर पर्सनल चॉइस। ओके, लास्ट क्वेश्चन, मैसेज टू ऑल यंगस्टर्स। मैसेज टू यंग क्रिकेटर्स, या डेफिनेटली क्रिकेट बहुत चैलेंजिंग स्पोर्ट्स है, इट इज नॉट ईजी, सबको लगता है कि हम यू नो इट इज अ ईजी स्पोर्ट, बहुत ही डिफिकल्ट स्पोर्ट है, बहुत इसमें क्या है निराशा भी बहुत मिलती है, पर आप सीखते भी बहुत हो, पर इसके लिए आप दोनों करें,
कोई भी स्पोर्ट्स हो, सिर्फ क्रिकेट नहीं, आप अगर क्रिकेट भी कर रहे हो तो आप प्लीज अपना एडुकेशन भी करें, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एडुकेशन टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट निग्लेक्ट योर एडुकेशन जस्ट टू प्ले वन स्पोर्ट. तो और अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो और एडुकेशन में भी अच्छे हो तो एडुकेशन आपको यू नो बहुत हेल्प करेगा. द कॉन्फिडेंस लेवल दैट यू विल गेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ लर्निड क्रिकेटर इज ऑलवेज गुड. आपको बहुत आपका दिमाग क्रिकेट में बहुत चलना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो आप गेम को भी जल्दी समझोगे अगर आप पढ़ाई वगैरह में अच्छे हो, तो गेम को भी जल्दी समझोगे सामने वाला हमें क्या कह रहा है, कैसे समझा रहा है, तो वो बहुत फर्क पड़ता है. तो पढ़ाई ना छोड़े, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी मेहनत करते रहे और जस्ट डोंट गिव अप. कल आज प्रैक्टिस जाओगे तो कल क्रिकेटर नहीं बन जाओगे, बहुत साल लगते हैं क्रिकेटर बनने के लिए. तो कीप वॉकिंग एट इट एंड ऑल द बेस्ट टू योर व्यूअर्स. थैंक यू ताई फॉर कमिंग लाइव, होप सबको मजा आए जो भी ये वीडियो देखेंगे, स्पेशली वुमेन्स क्रिकेट जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है क्रिकेट, जो भी यंग अंडर 16 खेल रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्प और बहुत सारे क्रिकेट के मेमोरीज आपने शेयर किए, तो मुझे भी अच्छा लगा. एज अ क्रिकेटर वुमेन्स क्रिकेट की इतने बात बहुत कम होते हैं मेन्स क्रिकेट में, क्योंकि कॉम्पिटिशन ही दोनों का और हमेशा वो बात कर रहे हैं. एक्चुअली मैंने जितना सीखा है, मैंने जितने देखा है, क्योंकि मैं भी पहले मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट में बोला वुमेन्स क्रिकेट कैसा दिखेंगे अगर मेंस क्रिकेट का लेवल अलग अलग रहता है, पर अगर आप देख क्रिकेट इंप्रूव होते जा रहा है और आप भी इंजॉय करते हो. मैंने इंजॉय किया था वो वर्ल्ड कप देखने के बाद, मेरा थिंकिंग चेंज हुआ था वुमेन्स क्रिकेट में. तो वो मैं भी वो भी देख रहे हैं लाइव, आप भी अगर सपोर्ट करोगे वुमेन्स क्रिकेट को तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और ऑलरेडी अच्छे कर रहे हैं. नहीं, बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है हमको. जब आई थिंक तो 2013 में सारा वर्ल्ड कप का मैचेस लाइव हुआ था, तब हमको बहुत अच्छी व्यूअरशिप मिली थी वर्ल्ड कप के लिए. फिर 17 में हम अच्छा खेले तो भी मुझे लगता है लोग जेंडर इस देश में लोग बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है कि लोग जेंडर बायस नहीं है, लोग क्रिकेट पे विश्वास रखते हो, क्रिकेट पे प्यार करते, कोई भी हो जेंडर का, मेन्स हो विमेन्स हो. मुझे पता है कि हमने मैदान में भी खेला है, कलकत्ता हम आजाद मैदान खेल चुके हैं, जिनको भी देखना है क्रिकेट वो उनको पता नहीं चलता था कि लड़के खेल रहे हैं कि लड़की खेल रही है, दूर से वो अपना खड़े रह के घंटों देखते थे. तो दैट इज द लव फॉर द गेम, ये प्यार लोग इतना करते हैं ना क्रिकेट पे कि उनको जुनून इतना है ना कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि लड़की खेल रही है कि लड़का खेल रहा है, बस आप अच्छा खेलो तो वो ताली बजाएंगे एंड दे विल अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग. राइट. ओके, थैंक यू फॉर कमिंग लाइव, होप आपको भी मजा आया रहेगा, बहुत टाइम के बाद हम मिले. या बहुत टाइम के बाद हुआ बातचीत इतना लंबा. थैंक यू बाय बाय.